हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? ठीक? मैं भी ठीक। आज हम बना रहे उपसीडे गोकुलाष्टमी के लिए, तो चलो देखते हैं कैसे बनाना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक? मैं भी ठीक। अच्छा, तो अब हम डायरेक्ट रेसिपी पे जा रहे हैं। हम बना रहे उपसीडे, गोकुलाष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू मेक सॉल्टेड बॉल्स, उसको हम लोग उप्पू सीढ़े बोलते हैं। तो हम अब डायरेक्ट रेसिपी के तरफ जाते हैं, बाद में मैं डिटेल में आपको बीच बीच में बताते रहूँगी। अब ये मैंने लिया 3 टेबलस्पून ऑफ उड़द दाल, होल उड़द दाल है, तो ये मैं डाल दूँ। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, गैस को एकदम सिम या मीडियम, हाउएवर इट इज, दोनों में आपको इसको हमें ब्राउन कलर तक रोस्ट करना है, ठंडा होना है, और इसको फाइन पाउडर, जितना फाइन हो सके उतना फाइन पाउडर में इसे हमें ग्राइंड करना है। चलिए ये खत्म करते हैं, फिर मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट। तो ठीक है गाइस, अब हम बात भी कर सकते हैं और इसे रोस्ट भी कर सकते हैं। हम जो अभी उप्पू सीढ़े बना रहे हैं ना, दिस इज यू कैन से साउथ इंडियंस में ये बनाते हैं, हर एक का अलग अलग होता है। जैसे मैं जानती हूँ गुजराती डू फास्टिंग ऑन दैट डे, स्वीट्स बनाते हैं घर पे, रात भर जागरण करते हैं, भजन गाना होता है, झूला झूलाते हैं। तो वी मेक दिस, फिर पोहा और गुड़, फिर वाइट बटर, फिर दही छाछ, जो भी उस दिन कृष्ण जयंती, कृष्णा को जो जो अच्छा लगता है वो सब आप बना के नैवेद्य कर सकते हो। तो ये जो बनते हैं, इसमें एक सॉल्ट वाला बनता है, दैट इज कॉल्ड उप्पू सीढ़े, देन द अदर वन इज मेड, दैट इज कॉल्ड एज वेल्ला सीढ़े। वेल्लम मीन्स वी कॉल वेल्लम एज अ जैगरी, तो हम वेल्ला सीढ़े वो। तो ये जो भी बनते हैं राइस फ्लोर का बनता है, और उड़द दाल को फ्राई करके पाउडर, वैसे राइस को भी हम, वो अलग एक प्रोसेस है, उसका वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ, आज मैं डाल दूंगी वो। तो प्रोसेस राइस फ्लोर कैसे बनाना है वो आप देख लीजिए। ओरली अगर मैं आपको बताऊँ तो यू हैव टू टेक अ कप ऑफ राइस, एनी राइस, रॉ राइस, नॉर्मली जो हम कुक करते हैं वैसे वाला राइस भी चलेगा, इडली राइस वगैरह नहीं लेते, रॉ राइस कोई भी। यू हैव टू सोक इट फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर, 30 मिनट्स और 1 आवर, फिर उसको निकालते हैं, ड्रेन करते हैं, एक व्हाइट क्लॉथ के ऊपर उसको सुखाते हैं, या एनी क्लॉथ विच इज यू नो पानी पूरा निकाल लेगा, फैन के नीचे ही सुखाना होता है, धूप वूप में नहीं सुखाना होता है, जस्ट फॉर से अराउंड हाफ एन आवर आप टवल के अंदर डाल के आप ऐसे टच करके देखोगे ना, उसमें वो गिल्लापन नहीं रहेगा, हल्का गिल्ला, इट विल बी हल्का सा मॉइस्ट, एकदम गिल्ला भी नहीं होगा। तो वैसे इसमें मतलब एग्जैक्टली आपको टाइम बताओ तो आधा घंटा आप एक टवल में डाल के रख सकते हो। उसके बाद उसको एक फाइन पाउडर में आपको ग्राइंड करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सीव दिस ऑल्सो, हैव टू बी सीव दैट ऑल्सो, जितना हो सके उतना वी नीड अ फाइन पाउडर, बिकॉज द रीजन इज अगर वो फाइन नहीं रहा, सीव नहीं किया, तो जब आप उसको डीप फ्राई करते, ये जो ऐसे डीप फ्राई करते हैं हम लोग, इट कैन बर्स्ट इन ऑयल, तो सेफर साइड। और जितना आप अच्छा उसको सीव करोगे उतना टेस्ट भी कुरकुरा और अच्छा बनता है, देयर विल बी नो पार्टिकल्स ऑल्सो, हार्ड पार्टिकल्स आएगा भी नहीं, लम्स वगैरह उसके अंदर आएगा नहीं। सो हम बना रहे वो, तो उसका सबसे पहला प्रिपरेशन आप उड़द दाल को फ्राई करके ठंडा करना, फिर राइस का, दोनों आपको पहले ही प्रिपेयर करके रखना होगा, ऐसे नहीं कि अभी कर लिया तो हो गया। सो राइस फ्लोर का मैंने वीडियो अपलोड करने को रखा है, वो हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तब मेरा राइस पाउडर रेडी है, अब मैं उड़द दाल पाउडर, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने के पहले, जस्ट आप इसको रोस्ट कर लो, देखो ऐसा ब्राउन, एंड यू कैन जस्ट मेक इट, ये वाला बीच बीच का ब्राउन है ना, वैसे हमें सबको लाना है, ठंडा करके ग्राइंड कर, तो हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। गाइस ये देखिए, ये हो गया, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसमें ही इसको छोड़ दूंगी, तो हल्का हल्का जो लाइट ब्राउन है वो भी इसके साथ रख के डार्क ब्राउन हो जाएगा। अगर आपका बहुत ज्यादा ब्राउन हो गया तो तुरंत यू हैव टू शिफ्ट इट इन अदर वेसल, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ब्राउन और काला हो जाएगा, सो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा।
अभी मेरा हल्का सा बीच बीच में ब्राउन है बीच, तो मैं इसमें ही रख के इसे ठंडा करने रख दूंगी साइड में। उसके बाद इसको हम एक फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेंगे ठंडा होने के बाद। तो गाइस ये मैंने सीव कर लिया, दिख रहा है आपको एकदम फाइन पाउडर। और ये है राइस फ्लोर, 1 कप लिया मैंने। एक जैसे हमेशा बोलती हूँ 1 कप लेना, उसके मेजरमेंट में आप सबको आपको सब कुछ लेना है। सो हियर इज द कप, हियर इज अ 1 कप ऑफ राइस फ्लोर। ये हिंग जाएगा से अराउंड 1 टीस्पून। इसमें हिंग थोड़ा सा ऊपर आता है क्योंकि टेस्ट उसका अच्छा होता है। सो दिस इज उड़द दाल पाउडर विच आई विल टेक अराउंड 2 टेबलस्पून। ये उड़द दाल पाउडर आपको स्टोर का भी मिलता है, बट दैट वोंट बी लाइक दिस, ये कलर नहीं आएगा बिकॉज हमने इसको रोस्ट किया। वो आपको व्हाइट ऐसे ही आएगा। आपको क्या करना है, इसे या उसे, इस जैसे कि ये राइस फ्लोर है, इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। मैंने अभी किया ऐसे ही, अगर आप बना के रख देते हो तो हल्का सा इसको आप रोस्ट कर सकते हो। मैंने कर लिया है और यहाँ पे रखा हुआ है। सेम उड़द दाल पाउडर जैसे आप स्टोर से लाते हो, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट, सारा जिसको ड्राई रोस्ट करना है, फिर सीव करके आपको वेसल में लेना है। क्योंकि वो स्टोर बॉट वाला को भी से अराउंड 1 मिनट आपको सिर्फ ड्राई रोस्ट करा के निकाल लेना है, डोंट चेंज द कलर। इवन राइस फ्लोर का आप देखोगे कलर चेंज नहीं हुआ। मैंने आप बोला ना कि राइस फ्लोर बनाया था, उसको हल्का सा रोस्ट करके, वैसे भी कोई भी जैसे आप रहते हो सूजी भी लेते हो तो मैं उसको रोस्ट करके बॉटल में रख देती हूँ। फिर राइस फ्लोर हुआ, मैंने अगर स्टोर बना के रखा 1 किलो का पूरा मैंने बनाया, तो उसको मैं हमेशा ग्राइंड करने के बाद हल्का सा गर्म करके ही जार में रखती हूँ ताकि वो खराब भी ना हो। तो कमिंग बैक टू द रेसिपी, उड़द दाल डाल दिया मैंने पाउडर, उड़द दाल पाउडर। अब जाएगा सॉल्ट योर टेस्ट। यहाँ पे है कोकोनट, इसमें कोकोनट जाएगा अराउंड 3 ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट, 3 टेबलस्पून। और कोई लोग इसमें पेपर एंड जीरा को हल्का भून कर कोर्स में ग्राइंड कर लेते और वो भी डालते, वो भी अच्छा टेस्ट देता है। से अराउंड वाइट चिल अराउंड 1 टीस्पून, दिस इज ऑप्शनल कम्प्लीटली, बट वी लाइक एट अवर होम सो वी आर हैविंग इट। नाउ द मेन इंग्रेडिएंट इज बटर। अगर आपसे कोई भी बटर मिले, से आपको व्हाइट बटर मिलता है तो बेस्ट है, अगर आपको व्हाइट बटर नहीं मिलता है तो यू हैव टू टेक द नॉन सॉल्टेड, सॉल्टेड कोई भी जो आपको बटर हो। अगर आप सॉल्टेड डाल रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग सॉल्ट लेस। वो जाएगा अराउंड 3 टीस्पून, इट्स ओके नॉट टेबल स्पून, 3 टीस्पून। 1 कप के लिए 3 टीस्पून, अगर 2 कप लेते हो तो इट विल गो टू 3 टेबलस्पून, 2.5 to 3 टेबलस्पून। ये मैंने डाल दिया। अब इसे हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको एक अच्छा इसका एक डव बनाएंगे। आई होप इट्स विजिबल। या तो गाइज ये हम अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, पहले इसको अच्छा एक मिक्स दे देंगे ताकि सारा एक साथ मिक्स हो जाए। ये कोकोनट मिला मुझे, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और इसका डव बनाएंगे।
लो, इसका डव बना लेते अभी हम। तो गाइज ये ऐसा डव बन जाता है। आई डोंट नो ये कैमरा के लाइट में ये येलो ही देता है, बट इट्स अ प्योर वाइट। आई डोंट नो वाइट लुकिंग लाइक दिस, लेट मी एडजस्ट, नो आई डोंट नो, ओके फाइन, दिस इज अ डव इज बीन प्रिपेयर्ड। ऐसे अब हम इसका कोई छोटे छोटे बॉल्स बनाना है, ऐसे नहीं कि एकदम प्रॉपर ऐसा कुछ करना है, जस्ट रफ ऐसे बॉल्स बनाना है। एक प्लेट में आप टिश्यू या तो कोई भी पतला ऑडियो से न्यूज़पेपर किस में भी, या एक पतला सा मसलिन क्लॉथ उस पर आप उसको डाल सकते हो, ऐसे बना, इससे भी छोटा बना सकते हो, ये देखिए लाइक दिस। यू डोंट हैव टू मेक अ प्रॉपर शेप और समथिंग, जस्ट यू हैव टू रोल इट लाइक दिस, पुट इट, क्रैक हो रहा है डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, वो अंदर अच्छा पक भी जाएगा जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। देखिए बस 10 मिनट्स के लिए हमको ऐसे बॉल्स बना के इसमें छोड़ देना है, आफ्टर 10 मिनट्स विल डीप फ्राई। क्योंकि इफ यू ट्राई टू मेक अ प्रॉपर शेप ना, इट वुड बी क्या बोलते हैं उसको, नॉट प्रॉपरली कुक्ड ऑल्सो, थोड़ा क्रैक से ऐसा रहेगा, देन ऑल्सो इट्स ओके, लाइक उसके अंदर से पक जाएगा। और इसे हम मीडियम फ्लेम में, नॉट हाई फ्लेम, मीडियम, क्योंकि हाई में करेंगे ना तो ब्राउन जल्दी हो जाएगा लेकिन अंदर कच्चा ही रहेगा, हमें क्रिस्पी भी नहीं मिलेगा, फिर कड़क मिल जाएंगे। जस्ट मेक लाइक दिस शेप एंड पुट इट। तो गाइस देखिए हमें ये ऐसा बनाना है, किसी फैमिली मेंबर के हेल्प से 3-4 जन को बिठाना और ये गोल गोल बना लेना फटाफट। और अगर आप ज्यादा बना रहे हो, जो क्वांटिटी है उसका डबल क्वांटिटी बनाना चाह रहे हो, तो एक एक बैच में आपको रखना है, बिकॉज इसको 10 मिनट से ज्यादा आपको रखना नहीं है, ड्राई भी नहीं होना है, तो आप एक बैच बना लेना, फिर इसको ढक के रखना, सेकेंड गोल बना के छोड़ देना, वैसे राउंड बॉल्स बना के, नहीं तो फिर ड्राई हो जाएगा तो इट वॉन्ट टेस्ट, कड़क हो जाएगा वो। और ड्राई फैन भी चालू नहीं रखना इस, ये बॉल्स बनाने के 10 मिनट्स डोंट ऑन द फैन ऑल्सो, जस्ट लीव इट लाइक दैट, तेल भी नहीं पिएगा फिर वो ज्यादा। ठीक है, हम ये अभी सारा बॉल्स बना लेते हैं। तो गाइस हमने ये बना दिया, इसको अभी 10 मिनट के लिए, हम इतना बन गया वो 1 कप में, इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, इसके बाद फ्राई करेंगे। हेलो गाइस, तो इससे हमें रख कर 10 मिनट हो गया, यहाँ पे तेल भी मैंने गर्म करने रख दिया, कढ़ाई लिया उसमें तेल डाला, ये कढ़ाई यहाँ पे सिर्फ मैं फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे भजिया पकौड़े पूरी या ऐसे वाले डिशेस सारे ये कढ़ाई में फ्राई होते हैं, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं बनता। तो ये इसमें मैंने तेल डाल के गर्म करने को रख दिया, अभी अच्छा गर्म हो जाए फिर देख। तो गाइस ये ऑयल गर्म हो गया, मैं अभी इसको मीडियम में रख रही हूँ, और मैंने ये एक बॉल लिया है, एक बॉल लेके हम इसमें डाल के देखेंगे अगर ये बर्स्ट हो रहा है या क्या है, सेफर साइड का, और थोड़ा दूर ही खड़े रहना तेल से। देखिए वो एक अच्छे से फ्राई हो जाए, बिकॉज एनी मोमेंट इट कैन, थोड़ा ब्राउन होने के बाद भी वो बर्स्ट होता है, तो उसका मतलब ये है कि उसको और थोड़ी देर आपको न्यूज़पेपर टिश्यू या उसमें डाल के रखना है, इट हैज़ नॉट लेफ्ट इज मॉइस्ट। और जब डालते हैं ना उसके बाद कम से कम 1 मिनट तक आप इसको, या कम से कम से 50 सेकेंड्स तक टच मत करना, बिकॉज वो एक दूसरे को चिपका हुआ रहेगा, वो अपने आप थोड़ी देर में ऐसे अलग हो जाएगा, तब आप उसको यू नो स्पून से हिला सकते हो। और ये जब फ्राई होता है, ये तल गया है अच्छा से हो गया, उसका कैसे आपको पता चलता है, ये जो बॉईल आता है ना ऊपर ऐसा बबल्स, वो बंद हो जाएगा अपने आप, एंड इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द टॉप, दैट मीन्स योर सीडे इज रेडी। मैं इसलिए एक सिंगल डाल के आपको ये दिखा रही हूँ, बिगनर्स होंगे, नए लोग कर रहे होंगे, इनफैक्ट मैं जब नई थी मेरे साथ भी हुआ था, बर्स्ट भी हुआ था, सो दैट टाइम आई डिडंट न्यू एनीथिंग, बट लेटर ऑन आई लर्न्ड एवरीथिंग।
तो इसलिए एक डालना, उसको अच्छे से होने दो, फिर आप चार पांच कैसे भी, इफ यू हैव अ बिग व्हाट यू से कढ़ाई एंड लॉट ऑफ ऑयल डाल के आप एक साथ निकालना चाहते हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो। मैं दो बैच में करके निकालूंगी। अभी आप नोटिस करोगे देखो बबल जो आ रहा है ऊपर का वो कम हो गया, इट्स गेटिंग लेस। वेट, आई विल ज़ूम इट। देखिए कम हो गया। देखा, यू कैन टेक इट इन दिस कलर। अब हम कॉन्फिडेंटली इसको एकदम सिम में रखेंगे और धड़ाधड़ हमारे सारे फ्राई कर लेंगे। जैसे मैंने बोला ये डालने के बाद एटलीस्ट फॉर अ मिनट और फॉर 50 सेकेंड, डोंट इवन टेक द स्पून एंड डू एनीथिंग, जस्ट लीव इट। तो अपने आप सिम से मीडियम में कर दो, दिस यू हैव टू एडजस्ट ना, सिम मीडियम। सिम में रखोगे तो बहुत देर लगेगा, फुल में रखोगे तो नो यूज, आई टोल्ड यू इट विल बी ब्राउन बट कच्चा, सो यू हैव टू कीप इन सिम एंड मीडियम। इफ यू नोटिस इसमें देखो आपको दिख रहा है सब, ये इसका जो मॉइस था, पानी था, एक्स्ट्रा घी बटर जो भी होगा छोड़ गया था, इसलिए हम इसको 10 मिनट्स तक रखेंगे। गाइस देखिए अभी इसको हो गया अराउंड 50 सेकेंड्स, 1 मिनट आ गया बस। अब इसको हम ये बबल्स आपको जैसे मैंने बताया बबल्स जाने तक हम इसको फ्राई करेंगे टू गोल्डन ब्राउन कलर। अभी ये सिम में है, मैं मीडियम में करूँ तो आपको ये हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। गाइज आपको डिफरेंस दिख रहा है, पहले कैसे पूरा बबल दिखने था, अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा दिखेगा। ये बबल पूरा ठंडा हो जाएगा, मतलब चला जाएगा, तो आपका ये सीड इज रेडी। इसे और टाइम लगेगा, अब मैंने सिम किया मीडियम से सिम। अच्छा और एक चीज क्या था, यू नो दैट चटनी डाल पाउडर जिसको यहाँ पे मुंबई में बोलते चटनी डाल करके फुट्टाना पाउडर, जो महाराष्ट्र यूज फॉर दैट चूड़ा, वो वाला पाउडर भी आप इसमें 1 टेबलस्पून डाल सकते हो। रेड डाल पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून डाला ना, एंड 3 टीस्पून ऑफ बटर, तो वो पाउडर आप जस्ट उसको हल्का सा पाउडर कर लेना, फाइन पाउडर, रोज की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप पाउडर कर सकते हो। दैट यू कैन एड अराउंड 1 टेबलस्पून, बहुत क्रिस्पी और अच्छा टेस्ट आता है, उसे क्रिस्पीनेस ज़्यादा बढ़ता है। मैंने नहीं डाला बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, आई कुडंट फाइंड मच ऑफ द थिंग्स, तो मैं बटर भी नहीं मुझे मिल रहा था वाइट, तो जो था उससे ही मैंने बनाया। अगर आपके पास घर पे है स्टॉक तो आप वो भी डाल सकते हो। सो लेट्स वेट टिल इट इज डन। तो गाइज अभी भी ये फर्स्ट बैच का देखोगे आप, जो डाला था उसका बबल्स कम हुआ, पूरी तरह जाएगा और गोल्डन ब्राउन होगा तब हम इसे निकालेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी 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 पेशेंट, पेशेंस के साथ काम होगा, यहाँ पे घाई से तो कुछ होगा नहीं। सो स्टिल इट्स इन प्रोसेस। तो गाइज हमारा ये बन गया, ये देखिए नाइस ब्राउन। हाँ गाइज इसको पूरा ठंडा करना, उसके बाद एक जार में डालना, क्योंकि मैं जब सीख रही थी या नहीं थी कुकिंग में तो मैंने ये बना लिया था यहाँ वहाँ से रेसिपी देखकर, और उसके बाद मैंने डब्बे में डाल दिया। उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि 2 दिन के बाद जब मैं निकाल रही थी सारा ठंडा हो गया, एंड आई हैड टू रिफिल इट। सो मेक श्योर दैट पूरा ठंडा हो जाए, देन यू पुट इट इन अ जार ऑर समथिंग। मेरा तो बहुत कम है, मैंने जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा बना। तो गाइस ये मेरा सेकेंड बैच है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये डालने के बाद चीड़े सीडिंग, दिस कॉल्ड एज सीडिंग। तो गाइज आप ये ट्राई करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना मेरे चैनल को। नाइस गोल्डन ब्राउन,
तो गाइस डू लाइक शेयर कमेंट माय चैनल। सी यू सून विद अ रेसिपी। बाय गाइस।